मोटा है और ये चिक बाहर आने की ट्राई कर रहा है दोस्तों, और अब इसको डिस्टर्ब नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों एक छोटा सा मेहमान हमें देख रहा है बड़े गौर से, और वो चरपाई के नीचे बैठा है। हेलो मोहम्मद, पौधों को लगा दिए पानी। मुझे बुखार रहा है, रात को तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अभी भी गला ख़राब है और बुखार भी हो रहा है। तेज़ बारिश यार बड़ा काम ख़राब होगा। मतलब अभी सेटअप आपको पता है पेंडिंग ही है, उसको भी यार सीमेंट हम लोगों ने डाल के और सारा ओके करने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग नहीं कर पा रहे, कभी गर्मी कभी मसरूफियात और अब तबीयत। लेकिन ये है कि मैंने कहा व्लॉग आपसे शेयर करें। रखी कबूतरों ने एक चेक निकाला था, तो आज जाके दोबारा चेक करते हैं। शायद की बात है कि उसका दूसरा फैन या भाई भी उन्होंने क्या प्रोग्रेस सीखा। जो दूसरा वाला बॉक्स है जिसमें हम हमेशा टच नहीं करते कि बर्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मेरा दिल है उसको भी चेक करें। हम टाइम जिस तरह होता है बजीद वगैरह भी बीच में मर जाते हैं। सॉरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यह कि व्लॉग तो अपने केजिस के पास, और यार तबीयत इतनी ख़राब है आप लोगों को क्या बताऊँ। गले में पेन है, अभी रात बुखार है जिससे मैं दर्द, मतलब मैं टैबलेट लेके और टी पी कर सोया हूँ, उस टी ने मुझे काफ़ी रिलीफ दिया रखा है। लेकिन फिर जैसे 3 बजे आँख खुली है, फिर उसके बाद यार आँख लगी नहीं। बर्ड में आके वैसे ही तरह फ्रेश हो जाता है बंदा। तो ये स्पेयर ने हमारा एक चिक निकाला था दोस्तों, और आज उसको ज़रा उसके हाल हवाल भी पूछते हैं। लेकिन ये दोनों बैठे हुए हैं यार, अब इन्होंने इसने तो बहुत मारना है, ये तो मेल है ना, इसको थोड़ा सा अगर ये इधर हो जाए। यार मैं कुछ भी नहीं कहता, अच्छा दोस्तों माशाल्लाह आप चेक करें, ये चिक ये अंडा टूटा हुआ है और ये चिक बाहर आने की ट्राई कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा नोट करें दोस्तों, आप देख सकते हैं यार ये इस चिक में से ना करने के लिए कि चिक भी हमने निकाला है उसमें से। यार मैं काफ़ी डर गया था कि खुदा ना खास्ता हमने थोड़ा टाइम पहले तो निकाल दिया। अगर ये आधा घंटा पहले भी निकल आए ना अपने एग से, जो इसका टाइम है दोस्तों, वो मुकम्मल तो बना हुआ होता है चिक, लेकिन एंड पे आके आई थिंक वो थोड़ा सा ना उसकी वेंस वगैरह और वो भी रहता होता है प्रोसेस, जो हाफ आवर के अंदर कम्प्लीट होना होता है। तो उससे पहले अगर निकाल दें तो वो मर जाता है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट बना हुआ था। शायद अब वो ठीक हो जाए, उनको वो बैठ गई ऊपर दो, शायद अब वो ठीक हो जाए, उनको वो बैठ गई ऊपर दो का, और ये इस तरह ही बैठी रहती है दोस्तों। और कुछ दोस्तों इसमें आपने देखा है ये काफ़ी दिनों से नेस्टिंग कर रही थी, मैंने आपको बताया था कि ये नेस्टिंग कर रही है, और आज इसने एग दे दिया है। तो आप देख सकते हैं ये दोस्तों स्प्रेड होगी शायद दो खुशखबरियाँ। भाई कल एक चिक निकला था, आज दूसरा निकला। बारिश जोर की आ गई, बारिश यार बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, आप यकीन माने हमारा सेटअप सारा जल थल हुआ पड़ा रहता है। और दोस्तों ये तो बड़ी खुशी की बात होगी, अब दो पेयर हम ये छेड़ नहीं सकते इनको। और टाइम इसने ब्रीड किए मेरे पास, इसने भी फर्स्ट टाइम की, लेकिन जिसने निकाले ये 5-6 अंडे थे, एक चिक बड़ा हुआ वो भी मर गया। और आज हम इसको ज़रा देखेंगे क्या सीन है अंदर, क्या सीन है। तो चलते हैं केज के अंदर और देखते हैं कि क्या सीन है। एक्चुअली ये बॉक्स बाहर लगा नहीं सका मैं, हाँ दोस्तों आपने देखे एग्स तो पड़े हुए हैं और चिक भी निकला हुआ है। मैंने देखा एक चिक, दोस्तों मैंने एक चिक देखा है बीच में,
पता है मसला क्या है? मसला ये है कि ये बॉक्स अंदर है और हम इसको ना हिला जुला सकते हैं ना इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम चेक करके ही दम लेंगे। हाँ इधर ही हम चेक। अरे माशाल्लाह, आपने देखा है इधर तो रौनकें लगी हुई हैं दोस्तों, एक और दो, और ये भी ठीक है हिल रहा है। दो चिक्स हुए हैं और एक दो तीन चार पाँच, आई थिंक दोस्तों पाँच एग्स हैं इसके नीचे, और आप देख रहे हैं दोस्तों फाइव एग्स हैं और दो चिक्स में है, लेकिन ये हम एग छेड़ते नहीं हैं दोस्तों, इसका कभी कोई हमारे एक्सपीरियंस नहीं है। बारिश बहुत तेज़ आ गई है, वैसे आपको मास्टर केज नंबर वन की तरफ लेके जाते, लेकिन भाई तेज़ बारिश आ गई यार। आप वो भाई सामने मट्टी लगा रहे थे ऊपर, वो सामने मट्टी लगा रहे थे बेचारे, वो भाग गए हैं मट्टी छोड़ के, और काफ़ी ज़्यादा बारिश तेज़ होने के बायस काफ़ी पानी आ रहा है यार लोगों की छतों पर, काफ़ी पानी है। पता नहीं हमारे नीचे बर्ड्स का क्या हाल होगा, पता नहीं वो अंदर भी जा पा रहे होंगे नीचे। और उम्मीद करता हूँ कि आप व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी तबीयत के लिए भी दुआ करिएगा। वैसे मेरी तबीयत चार्ज विचार्ज हो गई है ये देख के कि हमारे ब्लैक टेल के लक्की पेयर ने एक और एक एक और इसके दोनों चिक्स निकल आए, दुआ करिएगा दोनों चिक्स ठीक हो जाएँ, बड़े हो जाएँ। और हमारा ये दिल है कि थोड़े दिनों तक हम इसको हैंड फीड करवाएँगे, और हैंड फीड कराने का मकसद होगा कि उसको हम टेम करने की कोशिश करें। अभी उमाइमा बुला रही है उन्हें नाश्ते के लिए बड़ी देर से, और नाश्ता हो गया ठंडा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, तो फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट तो खैर नहीं होती, हम कहते हैं और आएँ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें। तो आप हमसे रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, कल तक की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।